अच्छा, यह बुरा इंसान बनना आजकल इंसान की प्रवृत्ति सी बन गया है। काफ़ी लोग होते हैं लड़ाई झगड़ों में विश्वास करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं जो अच्छा से जीवन जीते हैं और अच्छे बन जाते हैं। लेकिन बुरे इंसान भी अगर अच्छा बनना चाहे तो वो कैसे बन सकते हैं? वो कैसे समझदारी दिखाएं और कैसे इन लोगों से छुटकारा पाएं, अपने समाज को कैसे बुराई मुक्त करें? तो इन संसार बुराइयों से भरता जा रहा है, व्यक्ति बुरे से बुरे काम करने लगता है। ऐसी ही एक मोटिवेशन स्टोरी मैं आपको बुद्ध की बताती हूँ। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना, यदि कोई कुछ कहे भी तो कान बंद कर वहाँ से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता की इन्हीं बातों को सुनता जा रहा था, जिस कारण बातें उसके मन में बैठ गई। ऐसे ही बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी स्वयं गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता की यह सीख मिली थी, लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह था कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ रही थी कि साधु सन्यासी से दूर रहना चाहिए। चोर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने की कहते थे? इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है, लेकिन पूरे रास्ते में यही सोचता रहता है क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मान कर देखा भी जाए। इस तरह वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रखते हैं भीतर जाने का कारण पूछता है। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या जो नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा होगा। यह सोचकर उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल जाने के बाद चोर खजाना लिए तिजोरी के पास पहुंच जाता है। तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषणों को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल की रसोई पर पड़ता है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर भरपेट खाना खाता है। इसके बाद चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश की दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी करके मैं इनके साथ विश्वासघात करूँगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिसे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा बड़े प्रभावित हुए। उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुन लिए होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात हमेशा याद रखना कि संगत का असर आपके ऊपर होता है। सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है। बचपन से और संगत से गलत सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है, और गलत संगत से ही व्यक्ति बुरा बन जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। कैसी लगी ये मोटिवेशनल स्पीच आपको? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।